Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is hedging, speculation and arbitrage. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है एंड आर्बिट्रेज क्या होता है. इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम सीखेंगे. मैं तीन एग्जांपल लूँगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. एक फार्मर है, उसका जो एक खेत है वो हमेशा वीट का प्रोडक्शन करता है और उसको वीट कितने में पड़ता है, उसका प्रोडक्शन ₹22 पर किलोग्राम, यानी एक किलो वीट उगाने में उसको पड़ती है कॉस्ट ₹22 और उसको 3 महीने लग जाएंगे वो वीट उगाने में. तो जैसे ही वो वीट उगेगा उगाएगा उसकी कॉस्ट तो इंकर हो जाएगी 3 महीने तक ₹22. अब प्रिवेलिंग प्राइस जो है वो अनसर्टेन है, इसका मतलब फ्यूचर में जो 3 महीने बाद जो प्राइस होगी वो उस फार्मर को भी नहीं पता. हो सकता है वो 22 से कम हो जाए या खाली 22 रह जाए और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाए. तो इसीलिए वो क्या करता है, वो एक मंडी ट्रेडर है, यानी जो ट्रेडर्स होते हैं मंडी में वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. कॉन्ट्रैक्ट कैसा, कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रेडर टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ वीट, यानी जितना भी वो उसने प्रोड्यूस किया है वीट वो उसे 3 महीने बाद सेल करेगा ₹24 में. यानी दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो मंडी ट्रेडर को ख़रीदना ही पड़ेगा उससे ₹24 में. तो अब फार्मर ने क्या, फार्मर अपने आप को सेफ़ फील करेगा अब, क्योंकि उसका तो फिक्स है वो ₹24 में बेचेगा ही 3 महीने बाद, पक्की बात हो गई है. तो अब इससे क्या हुआ, फार्मर को एकदम सेफ़ फील हुआ, यानी उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. तो अब ये किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है, हेजिंग, क्योंकि इसमें फार्मर का इंटेंशन कुछ मनी अर्न करना थोड़ी था, इसमें फार्मर का इंटेंशन था अपने आप को प्रोटेक्ट करना रिस्क से, यानी प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इसे कहते हैं हेजिंग. ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया, ये एग्जांपल था हेजिंग का. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, ये वही मंडी ट्रेडर अपना और ये वही फार्मर. अब ये एग्जांपल वही है लेकिन ये अब मंडी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मंडी ट्रेडर ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था फार्मर से कि वो जो उसने प्रोड्यूस किया है वीट, जो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है वो उसको बाय करेगा कितने में, ₹24 में आफ्टर 3 मंथ्स. अब वो पागल तो है नहीं, यूँ ही कह रहा है, उसको लग रहा है कि आगे जाके प्राइजेस बढ़ेगी, यानी प्राइजेस 24 से भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो बुलिश है, यानी वो सोच रहा है कि आगे जाके मार्केट राइज करेगा और वीट की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, यानी 24 से और ज़्यादा होगी. तो अब मार्केट प्राइस जो है 3 महीने बाद, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, 26 हो गई, यानी इफ़ द प्राइस इज राइज टू 26 देन ट्रेडर विल मेक स्पेकुलेटिव गेन. यानी अब जैसे ही मार्केट प्राइस 26 हो गई तो मंडी ट्रेडर ने तो गेन कर लिया ₹2 का. तो अब इस एग्जांपल में क्या था, इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, यानी मंडी ट्रेडर ने कुछ प्रोटेक्शन के लिए नहीं लिया, उसने स्पेकुलेशन गेन कमाने के लिए लिया, यानी उसका इंटेंशन था कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसको पता था कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ेगी, हो सकता है प्राइसेस कम भी हो जाए, उसको लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेकुलेशन है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चलता रहता है. पर उसके मन में ये था कि वो प्राइसेस बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसको ₹2 का स्पेकुलेटिव गेन हो जाता है, एक किलो वीट पे ₹2 और जितने भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो उस हिसाब से उसको गेन हो गया. तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, मेकिंग प्रॉफिट, और हेजिंग में क्या था, इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी फार्मर अपने आप को प्रोटेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मंडी ट्रेडर प्रॉफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कहा जाता है हेजिंग, और यहाँ पे मंडी ट्रेडर क्या कर रहा है, स्पेकुलेटिव गेन कमा रहा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो ये हुआ स्पेकुलेशन. तो ये दो एग्जांपल क्लियर हो गए. अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल पे. तीसरे एग्जांपल में क्या है, मंडी ट्रेडर होगा वो, उसने फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ओके इतने में ये सब बात हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर टू बाय प्रोड्यूस वीट एट ₹24 आफ्टर 3 मंथ्स, ओके. अब एग्जांपल थ्री में क्या है, मंडी ट्रेडर ने फार्मर से तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही, पर वो और चालाक निकला, उसने अब दूसरे मंडी ट्रेडर से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. उसने दूसरे मंडी ट्रेडर से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 26 में उसको वीट बेचेगा आफ्टर 3 मंथ्स,
इधर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो खरीदेगा 24 में आफ्टर 3 मंथ्स, और उधर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो बेचेगा आफ्टर 3 मंथ्स ₹26 में। तो यानी उसने गेन कितने का कमाया? ₹26 और ₹24, कितने का? 2 रुपये का। बट इसमें वो रिस्क फ्री गेन कमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने इस ट्रेडर के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है वो, कि 26 में वो बेचे गए। तो अब इस एग्जांपल को क्या कहेंगे हम? आर्बिट्रेज। क्योंकि बाय बोथ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रेडर मेक ₹2 ऑफ रिस्क फ्री आर्बिट्रेज गेन। अगर वो रिस्क फ्री गेन कमा रहा है वो, तो वो होगा आर्बिट्रेज। अगर वो स्पेक्यूलेटिव गेन कमा रहा है तो वो होगा स्पेक्यूलेशन। और अगर वो प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो होगा हेजिंग। तो आप समझ गए होंगे इन 3 एग्जाम्पल से क्या होता है, स्पेक्यूलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। एक बार वापस ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव कहते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। पहला हेजिंग, स्पेक्यूलेशन, सॉरी स्पेक्यूलेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, स्पेक्यूलेशन, हेजिंग, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्रेज। तो हेजिंग, हेजिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी किसी भी प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, उस चीज़ को कहा जाता है हेजिंग, जैसा कि फार्मर ने किया। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज़ वन साइडेड ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द होप ऑफ मेकिंग गेंस। यहाँ पे इंटेंशन है कि वो पैसा कमाना चाहता है। इफ़ आर व्यू होल्ड्स, यानी हम जो सोच रहे हैं वो सही हुआ तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, और अगर प्राइसेस डाउन चली गई तो हम लॉस कर लेंगे। जैसा कि मंडी ट्रेडर में केस में मैंने बताया कि अगर वीट की प्राइस राइज करती है तो वो गेन कर लेगा, और अगर वीट की प्राइस डाउन जाती है तो वो लॉस में आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इज अ टू साइडेड ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द सेम टाइम टू अर्न रिस्क फ्री गेंस। यहाँ पे दो साइड के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसा कि मंडी ट्रेडर ने किया, किसी अनदर ट्रेडर से भी किया और फार्मर से भी किया। तो इसको कहा जाता है आर्बिट्रेज, यानी रिस्क फ्री गेन कमाना। यानी इसमें कोई रिस्क नहीं था, बिल्कुल भी रिस्क नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था वो। तो अब इसके इंटेंशन का देख लेते हैं। हेजिंग में इंटेंशन होता है प्रोटेक्शन का, स्पेक्यूलेशन में होता है स्पेक्यूलेटिव गेन कमाने का, और आर्बिट्रेज में होता है रिस्क फ्री आर्बिट्रेज गेन कमाने का इंटेंशन। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, हेजिंग, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्रेज। ये होता है इन तीनों का मीनिंग और डिफरेंस।